किसी भाई ने सवाल पूछा है कि नमाज़ पढ़ते वक्त अगर गलती से यहाँ वहाँ देख लें तो क्या इसे नमाज़ टूट जाती है देखिए मेरे भाई अगर ग़लती से आपकी नज़र पड़ गई है यहाँ वहाँ तो उसे नमाज़ नहीं टूटती लेकिन अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं तो अगर आप देख रहे हैं यहाँ वहाँ अब जानबूझ के देख रहे हैं यानी कि गलती से आपकी नज़र पड़ गई है लेकिन उससे क्या होगा कि आपका स्वाब कम होगा और नमाज भी ख़राब होगी क्योंकि ये जो यहाँ वहाँ देखना होता है ये बेसिकली क्या होता है कि शैतान आपको एक आपको डिस्ट्रैक्ट करता है क्योंकि जब इंसान कह देता है अल्लाह अकबर तो इसका मतलब होता है कि हमने पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया अब हमारा जो कनेक्शन है वो सिर्फ अपने अल्लाह के साथ है तो हमें सिर्फ़ जानमाज की जगह पे देखना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि इस वक्त हमें अल्लाह देख रहा है हमारे हम, हम लोग तो एक कमज़ोर ईमान वाले हैं हम ये नहीं देख सकते कि हमें अल्लाह नज़र आ जाए लेकिन कम से कम इतना हो कि हमें अल्लाह देख रहा है कि हम उसके खौफ की वजह से उसके मोहब्बत की वजह से हम सिर्फ नीचे देखें लेकिन अगर गलती से यहाँ वहाँ नज़र पड़ गई है तो आप फौरी तौर पर नज़र नीचे लेके चले जाएँ लेकिन इसमें सबसे बेहतर तरीका यह होता है कि जब आप पढ़ रहे होते हैं जैसे अलहमदिल्ला रबीन पढ़ रहे हैं तो हम उसी पे कंसंट्रेट करें कि जो हम पढ़ रहे हैं अब अब प्रॉब्लम ये है कि जिन लोगों को सूरत फाते का मतलब नहीं आता उन्होंने बचपन से रट्टे मारे होते हैं अब जल्दी से पढ़ लिया अब उसका मतलब भी नहीं पता कुछ भी नहीं पढ़ता तो बेहतर ये कि जो इंसान पढ़ रहा है अलहमद ला रबालमीन उसके मतलब की तरफ़ ध्यान दे कि इस वह हमें देख रहे हैं और हम अपने अल्लाह के दरबार में खड़े हैं और अपने सवालों का जवाब दे रहे हैं तो इससे क्या होगा कि शैतान का ज़ोर कम हो जाएगा